सभी को नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में आज हम हल कर रहे हैं प्रखर टू ब्रिज रेमिडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड आठ दो हज़ार बाईस कक्षा आठ दो हज़ार बाईस की नई वर्कबुक इसमें हल करेंगे हम वर्कशीट एक दो तीन चार पाँच जो पेज नंबर एक से लेकर पाँच तक हैं आइए शुरू करें इससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें वर्कशीट एक कंपेटेंसी लर्नर कैन रीड वर्ड हैविंग साइलेंट लेटर्स करेक्टली रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन साइलेंट लेटर नीचे लिखे हुए शब्दों को पढ़ना है और जो साइलेंट लेटर है उसके नीचे अंडरलाइन करना है जैसे ये है ओवर इसमें एच साइलेंट है अंडरलाइन करें एच के लिस्टन में टी साइलेंट है रॉंग में डब्ल्यू साइलेंट है चौक में एल साइलेंट है ऑप्टन में टी साइलेंट है नाव में के साइलेंट है जो साइलेंट लेटर हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है नाइट में जी साइलेंट है कुड में एल साइलेंट है राइट में डब्ल्यू साइलेंट है नाइफ में के साइलेंट हाई में जी साइलेंट वॉक में एल साइलेंट नी में के साइलेंट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट फाइट में जी साइलेंट, ओनर में एच साइलेंट, डॉटर में जी और एच दोनों साइलेंट नॉट में के साइलेंट, नेबर में जी एच साइलेंट हेयर में एच साइलेंट, लाइट में जी साइलेंट, शुड में एल साइलेंट, वुड में एल साइलेंट, टॉप में एल साइलेंट, इसके बाद होंगे लिस्टन है इसमें टी साइलेंट डिजाइन में जी साइलेंट कॉम में बीस साइलेंट रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट आंसवर में डब्ल्यू साइलेंट और राइम में एच साइलेंट डाउट में बी साइलेंट पॉल में एल साइलेंट कस्टल में टी साइलेंट केटल है ये केटल में एस साइलेंट है विस्टल में डब्ल्यू साइलेंट फोक में एल साइलेंट और गोस्ट में एच साइलेंट होगा वर्कशीट दो कंपेटेंसी द लर्नर कैन अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू टू मीनिंगफुल वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू नेल कटर नेल प्लस कटर से बना हुआ है इसी प्रकार एयरपोर्ट बना हुआ है एयर प्लस पोर्ट से बैकग्राउंड बना हुआ है बेक प्लस ग्राउंड से होमवर्क बना हुआ है होम प्लस वर्क से इनडोर बना है इन प्लस डोर से फुटबॉल बना है फुट प्लस बॉल से इसी प्रकार अगले वाक्य है आर्ट वर्क बना है आर्ट प्लस वर्क से सम वन बना है सम प्लस वन से ग्रां ग्रांड पेरेंट्स बना है ग्रांड प्लस पेरेंट्स से हैंड पम्प है हैंड प्लस पम्प से एवरी डे एवरी प्लस डे एनी बडी एनी प्लस बडी इसके बाद है डस्टबीन डस्ट प्लस बीन फुटबोथ फुट प्लस पाथ वर्कशीट तीन कंपेटेंसी लर्नर कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जोइंग टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड एग्जाम्पल इन प्लस साइड इससे बन रहा है इन साइड इसी प्रकार सन प्लस लाइट से बनेगा सन लाइट आउट प्लस साइड से आउट साइड लंच प्लस बॉक्स लंच बॉक्स बटर प्लस फ्लाई बटरफ्लाई हाउस प्लस बोट हाउस बोट ट्यूब प्लस लाइट ट्यूबलाइट क्लास प्लस रूम क्लास रूम आफ्टर प्ल नून आफ्टर नून एयर प्लस बेग एयर बेग बॉस्केट प्लस बॉल बॉस्केट बॉल बुक प्लस मार्क बुक मार्क केट प्लस फीस केट फीस वर्कशीट चार का हल देखते हैं कंपेटेंसी दर्नर कैन अंडरस्टैंड अपोजिट वर्ड्स राइट दी अपोजिट वर्ड्स पुश पुश का अपोजिट होगा पुल ब्लैक का अपोजिट वाइट काला सफ़ेद ट्रू का अपोजिट होगा फॉल्स सच और झूठ राइट का अपोजिट होगा रॉन्ग फार का अपोजिट नियर गुड का अपोजिट बेड ओल्ड का अपोजिट न्यू और न्यू का अपोजिट ओल्ड इन का अपोजिट आउट ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हैप्पी का अपोजिट सेड लव का अपोजिट है हेट नाइट का अपोजिट डे लेफ्ट का अपोजिट गिव इम्पटी का अपोजिट पुल कम का अपोजिट गो लाइक का अपोजिट है डिसलाइक वोर का अपोजिट पीस एनिमी का अपोजिट फ्रेंड इसके बाद है जेंटल इसका अपोजिट होगा मेल पेशेंट लाइट का अपोजिट है डार्क वर्कशीट पाँच कंपेटेंसी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस रोहन इज राइटिंग ए लेटर मल्हार इज प्लेइंग ए कबड्डी इन द अबाउ सेंटेंस रोहन एंड मदर मल्हार आर सब्जेक्ट तो इसमें सब्जेक्ट हैं वो अंडरलाइन करना है या हिंट दे रखा है नीचे ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेंस पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन और वर्ब ए सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन पहला है अंडरलाइन दी सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अंडरलाइन करें मेहू कॉम्स हर हेयर इसमें मेहू सब्जेक्ट है अंडरलाइन करें आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग इसमें आई सब्जेक्ट हैं अंडरलाइन करें अनु इज डूइंग हर होमवर्क इसमें अनु सब्जेक्ट है दे आर वाचिंग टी वी दे सब्जेक्ट हैं वी हैड लेफ्ट फॉर बांसवाड़ा वी सब्जेक्ट हैं नानू स्पीक्स इंग्लिश नानू सब्जेक्ट हैं ही स्वीप्स द फ्लोर ही सब्जेक्ट हैं इसमें आठवा है ए कोबलर मैड्स सूच कोबलर सब्जेक्ट

अंश इज ड्राइविंग ए कार ए काउ इज ए ग्राजिंग इन द फील्ड माई पेरेंट्स ब्रेक एट द स्ट्रेंगर्स आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ ये था वर्कशीट एक दो तीन चार पाँच स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट का चित्र दिख रहा है इस प्ले लिस्ट में हमने सभी वर्कशीट के हल डाल रखे हैं इस प्लेलिस्ट से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद